गुणागी ने सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा, ये नियम कब काम आता है एकाधिकेन पूर्वेण, अगर पिछले वाले नंबर जो इसके पीछे दे रखे हैं उन नंबरों का सम या जोड़ कितना होना चाहिए आपके 100 होना चाहिए, 1 होना चाहिए या कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए, देखो इन दोनों की जोड़ कितनी हो रही है 1 हो रही है। अगर मैं 1/6 को और 5/6 को जोड़ूं तो ये होता है 6/6 और बाद में मारे आपके 1/1, जिनके पीछे वाले अक्षर जो दे रखे हैं उनका जोड़ कितना होना चाहिए आपके योग कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, 10, 100 या 1000 जिनका योग 100 हो रहा है या 1 हो रहा है उनके इधर वाला अक्षर क्या हो आपके सेम हो। देखो इन दोनों का योग कितना हो रहा है 1 हो रहा है और अगले वाले जिनका योग 1 हो रहा है उनके अलावा जो नंबर है ये तो हमने ले लिए नंबर, पिछले वाले जो नंबर बचे हैं बाद में इधर के नंबर बचे हैं ना वो नंबर दोनों सेम होने चाहिए तभी ये नियम काम करेगा, नंबर आपके नियम काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे एक तरफ के इधर वाले दोनों नंबर पीछे वाले का योग 1 हो 100 हो या 1000 हो इनमें से हर एक आएगा और अगले वाले नंबर सेम होने चाहिए तभी ये नियम काम करता है। तो इसमें क्या करेंगे जो जो नंबर सेम नहीं है जो नंबर सेम है वो तो लिखेंगे आगे और जो जो नंबर सेम नहीं वो लिखेंगे इधर। अब ये एकाधिकेन है मतलब जो नंबर सेम मिल रहा है उसको इसके अंदर एक जोड़ते उसको अलग अलग कटे उसमें अंदर एक जोड़ना है एकाधिकेन एक गति करना है लेकिन तो जाएगा आपके 31 × 32 ये हो जाएगा आपके 5/36 दोनों को गुणा करो 992 ये होता है 992 और ये है आपके 5/36। ऐसे आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो, मान लो यहाँ ले लिया 20 और यहाँ भी क्या है आपके 20 और पीछे दे रखा है 7/13 और यहाँ दे रखा है आपके 6/13। अगर अगले वाले नंबर सेम है और पीछे वाले नंबर का जोड़ कितना हो रहा है 1 हो रहा है उसके लिए सूत्र हो जाएगा आपके, मतलब दोनों संख्या आगे लिखनी है 20 × 20 और 1 और इधर 7/13 × 6/13 ताकि दोनों का गुणा करने पर उत्तर आ जाए कितना 21 × 21 = 42 720 × 42 / 100। तो जब भी आपको ऐसे नंबर जिनके इधर वाले नंबर क्या हो आपके जिनका योग होना चाहिए आप कितना 1, 10, 100 या 1000 और जो नंबर सेम जो नंबर इधर है जिनका योग 1 हो रहा है 10 हो रहा है उसके अलावा जो नंबर है वो आपके होना चाहिए 1 जैसा तभी ये नियम काम करेगा वरना नियम काम नहीं करेगा। अब यहाँ देखो 7 और 3 10 है ले सकते हो लेकिन यहाँ पर दोनों नंबर सेम नहीं है, हम क्या करेंगे अब 97 और 3 लेंगे तो 97 और 03 लिया इनका योग कितना हो रहा है 100 हो रहा है और जो 100 हो रहा है इसके अलावा जो नंबर है वो नंबर क्या होना चाहिए आपके सेम होना चाहिए 1 जैसा दिखना चाहिए। तो क्या हो जाएगा जो नंबर 1 जैसे हैं वो तो हो जाएंगे आपके 1 × 1 और जो नंबर 1 जैसे नहीं है वो क्या हो गया आपके 0, 3 और 97। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जितने नंबर आपके इधर हमने लिए जैसे हमने कितने 2 नंबर लिए 2 इधर क्या 2 तो 2 कितना हो गए 4 इधर कितने नंबर आएंगे 4 नंबर आएंगे। हाँ भिन्न में है तो पूरी भिन्न आ जाएगी आपको। अब यहाँ देखो जो नंबर सेम है उसमें क्या करेंगे हम 1 और जोड़ देंगे ये आएगा 1 × 2 और यहाँ गुणा करो 7 या 21 फसल का 2 तो 27 वाले कितना हो गया आपके 27 और 2 29 और 0 का क्योंकि यहाँ संख्या 4 है तो यहाँ भी कितनी होनी चाहिए 4 संख्या होनी चाहिए ये हो गया 2 × 2 और ये पर ऐसे 0, 291 आप कहो तो ऐसे हर सवाल पे ऐसे बदलते हो आप यहाँ ले लिया आपने 117 तो सामने यहाँ क्या ले लिया आपने 100 और कितना हो गया आपके 83 इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है 100 हो रहा है अगला नंबर सेम है आप तो यहाँ पर 2-2 लिखो तो भी ये विधि काम आएगी आप तो यहाँ पर 55 लिख दो तो भी विधि काम आएगी क्यों आएगी इन दोनों का जोड़ कितना हो रहा है 100 और अगले वाले जो नंबर है वो नंबर आपके दोनों सेम 1 जैसा दिख रहा है तो इसके लिए आपके कौन सी लगेगी आपके एकाधिकेन पूर्ण विधि आपके काम करेगी।